आ चुके हैं आज गुंडा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक R1। और आज हम लोग अपने YouTube चैनल के पहले ब्लॉग में गुंडा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग R1 को कवर करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, चलते हैं कॉलेज के अंदर। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... और ये था हमारा अंदर आने का रास्ता। और अब हम लोग आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट के सामने, जो कि ये रहा, और इधर है हमारा पार्किंग एरिया। कम ऑन, अब हम लोग आ चुके हैं रुंगटा कॉलेज की मेस के पास, जो कि यहाँ की एक बहुत ही बेहतरीन मेस मानी जाती है। ये सिर्फ मेरे कहने से ही नहीं, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का इस मेस के ऊपर क्या रिव्यू है, आइए यह भी जानते हैं बच्चों से बात कर कर कि बच्चों का क्या विचार है इस मेस के ऊपर। हेलो हेलो, तो बताइए डिवाइन मेस का खाना कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है? खाना हालांकि बहुत अच्छा है, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। जैसे आम मेस, जैसे लोग जैसे आम मेस बदनाम है, वैसे इस तरह का ये मेस नहीं है। खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कितने टाइम एक दिन खाना प्रोवाइड किया जाता है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और पर डे आपका खाना चेंज होते रहता है। पर डे चेंज होते रहता है। और वेज मिलेगा, और वेज मिलेगा, और वेज के सारे आइटम मिलते हैं, मतलब किसी चीज़ में कभी कमी। काफ़ी क्लीन मेस है, हमेशा साफ होते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमारा जो मेस है वेजिटेरियन मेस है, प्योर वेजिटेरियन मेस है। दिखा दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जूस कॉर्नर है, यहाँ पर स्टूडेंट शॉपी है, जहाँ से आप अपने डेली नीड्स के सामानों को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि इधर एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है, चलिए लाइब्रेरी का क्या राय है बच्चों से जानते हैं। लाइब्रेरी जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है, यह एक बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइवेट कॉलेज में एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये तो हमें बच्चों से ही पता चलेगा, बात करते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी, राइट? तो क्या क्या यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको रुंगटा कॉलेज के द्वारा? सारी अच्छी अच्छी बुक, जितने भी फार्मेसी या इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, हर राइटर्स की बुक यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे दो फ्लोर है, सारा हर किताब है उसमें, हम जब चाहें इशू करवा सकते हैं, सारी अच्छी अच्छी किताबें। डिजिटल लाइब्रेरी है ये, राइट? हाँ, ओवरऑल इस लाइब्रेरी का रिव्यू बोला जाए तो बहुत अच्छा है, आपको इजीली बुक इशू करवा दिया जाता है। खास करके डिजिटल लाइब्रेरी एक इनोवेटिव फॉर्म है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए इस लाइब्रेरी को हम लोग अच्छे लाइब्रेरीज में कंसीडर कर सकते हैं। ये रुंगटा कॉलेज की एक अच्छी पहचान। इसमें कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो चाहे कंप्यूटर यूज़ कर सकता है फ्री में। अच्छा कंप्यूटर, फुल वाईफाई कनेक्शन, अच्छा
तो आपको जब मन हो आप यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं, फुल लाइन स्टडी कर सकते हैं। वाईफाई प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पर आप कोडिंग कर सकते हैं। आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको कवर करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रुंगटा कॉलेज की मेन ब्लॉक के सामने, जो कि दो ब्लॉक है यहाँ पर, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लॉक ए को कवर करने के लिए। आइए ब्लॉक ए के अंदर। ऊपर गाइडेंस मिल जाएगा। इधर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आरसीईटी। ए ब्लॉक ये है, बी ब्लॉक ये है। फूड कोर्ट यहाँ से सामने जाने पर आपको मिल जाएगा। इधर ही हमारा वर्कशॉप है, कैंटीन है और फिर गर्ल्स हॉस्टल है। तो चलिए चलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is. हम लोग आ चुके हैं अब ब्लॉक ए के पास। अब चलते हैं ब्लॉक ए के We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये है हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट, कैश काउंटर का। आपको एडमिशन का जो एडमिशन का प्रोसीजर होगा आप यहाँ से करवा सकते हैं। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी आप वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऊपर है हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वो आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये रहा हमारा मेन कैंपस ए ब्लॉक का। आप यहाँ से पूरे कॉलेज को देख सकते हैं अच्छे से। ए ब्लॉक में आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल करवाई जाती हैं। जितने भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। सारे क्लासेस क्योंकि आज संडे है इसलिए आज कॉलेज रुंगटा कॉलेज बंद है, इसलिए हम लोग आज बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाए। तो जो चीज़ हमारी आज इस ब्लॉग में नहीं हो पाई है उसको हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल रिव्यू में बनाएंगे। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही ब्लॉग के साथ बने रहें।